अंबेडकर एक डायरेक्टर पार रंजीत की बॉक्सिंग पर नई शानदार मूवी सरपट्टा परंपराए का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर देखते देखते हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेलर में बहुत ही धांसू बॉक्सिंग सीन्स तो है ही, एक्शन के साथ थोड़ा रोमांस और बुद्ध का संदेश भी है। मूवी रिलीज हो रही है अमेजॉन प्राइम पर 22 जुलाई को। मूवी का ट्रेलर दर्शाता है कि ये मद्रास के बॉक्सिंग कल्चर पर बनी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेलर के एंड में एक रैप सॉन्ग है जिसमें बुद्ध के संदेश और बॉक्सिंग इतिहास के महान बॉक्सर मोहम्मद अली के कहे गए शब्दों को मिलाया गया है। अंग्रेजी में बोल कुछ ऐसे हैं, Learned to float like a butterfly, sting like a killer bee. You are your hurdle, you are your answer, you are the light, you are the path. इसका हिंदी अनुवाद करें तो तितली की तरह तैरना सीख लिया, अब मधुमक्खी की तरह डंक मारो। आप ही अपनी बाधा हैं, आप ही अपना जवाब हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही रास्ता हैं। जाने माने फिल्म क्रिटिक राजेश राजमणि का कहना है, अंत में रैप जो मोहम्मद अली की पंक्तियों को मिलाता है, तितली की तरह तैरो, मधुमक्खी की तरह डंक मारो और बुद्ध की पंक्तियां अपने खुद का प्रकाश बनो, इनको मिलाता है कुछ ऐसा ही जिसकी केवल पारंजीत ही कल्पना कर सकते हैं और अपनी फिल्म में इसको दर्शा सकते हैं। कुछ दिन पहले मूवी का पोस्टर लॉन्च करते हुए पारंजीत ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करते हुए कहा था, एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए केवल जीने और योग्यता पूर्वक और सम्मानित तरीके से जीने के बीच बहुत बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति की जीत पूरे समाज की जीत होती है। यही मोटो, यही मैसेज, यही संदेश है इस मूवी का भी। हम आपको मूवी की थोड़ी स्टोरी बताएं संक्षिप्त में, उससे पहले एक अपील कर दें कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने परिजनों, अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप ही हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति को बहुत ज्यादा और जरूर बढ़ाइए। तो जैसे बुद्ध ने कहा था अत दीप भव, वैसे ही ट्रेलर के हिसाब से तो ये एक बॉक्सर की व्यक्तिगत कहानी भी है और दो गुटों के बीच अपने गौरव की लड़ाई भी, और उस गौरव का प्रतीक है एक बॉक्सिंग फाइट। मद्रास जो जिसे चेन्नई कहते हैं, वो अंग्रेजों ने, वहाँ अंग्रेजों ने भारतीयों को बॉक्सिंग सिखाई मनोरंजन के लिए, पर स्थानीय लोगों के लिए बॉक्सिंग सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गई। आज़ादी के बाद वहाँ कई गुट बन गए, उसमें दो गुट सरपत्ता परंपराए और इडियप्पम परंपराए के बीच के प्रतिद्वंद की कहानी है ये मूवी। मेन किरदार इसमें सरपट्टा गुट के कबिलन है, जिसे बॉक्सिंग मैच में लड़ने से पहले ही, लड़ने के लिए ही हम कहें तो, कई सारी बाधाओं और अड़चनों से गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, लड़ाई लड़ने के पहले ही अड़चनों से गुजरना पड़ता है। तो ये किरदार एक्टर आर्या ने निभाया है, जिसके लिए अपने शरीर पर बहुत मेहनत की है उन्होंने, इसलिए फाइट और एक्शन सीन्स भी इस मूवी में काफ़ी असली और प्राकृतिक तौर पर लग रहे हैं अगर हम ट्रेलर पे जाएं तो। तो संतोष नारायणन जिन्होंने काला मूवी का साउंडट्रैक दिया था, वो इस मूवी में म्यूजिक डायरेक्टर है और बहुत ही शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है ट्रेलर का, तो काफ़ी ज़बरदस्त मूवी लग रही है ट्रेलर से। इंतज़ार में हैं हम सब। आप भी ज़रूर अमेजॉन प्राइम पे 22 जुलाई को देखेंगे, हम भी पहले दिन ही अमेजॉन प्राइम पर देखेंगे और एक ही एंड में बात कहेंगे, जैसे काला मूवी में रजनीकांत कहते हैं, मज़ा आएगा। जी हाँ, मज़ा बहुत आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, सबको इस ट्रेलर के बारे में बताएं, मूवी के बारे में बताएं, ताकि सब इसके बारे में जान सकें, बुद्ध के संदेश के बारे में और मूवी जब आ रही है उसके बारे में भी सब जान सकें। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।